नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज 69 भारत में स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष समाचार मनीष कुमार झा के साथ। आइए चलते हैं खबरों की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे संवाददाताओं ने कौन से खबरों को प्रमुखता दी है। गोविंदपुर में कपड़ा दुकान के गोदाम में लगा आग, बाल बाल बचा मालिक का परिवार। दिनांक 11 अप्रैल दिन सोमवार। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। घटना रात के 2 बजे की है, जब गोविंदपुर विलेज रोड के कपड़ा व्यवसायी बैद्यनाथ साधु को पता चला कि उसके घर में आग लग चुका है। स्वयं नीचे तल्ला अर्थात ग्राउंड फ्लोर पर थे, जहां गोदाम है। धुआं एवं पटपट की आवाज़ से मालिक की नींद खुली तो पाया कि सिर्फ चारों तरफ धुआं ही धुआं था। ऊपर जाने का रास्ता बंद था। भाड़े के सहारे अर्थात बांस के सहारे ऊपर तल्ला पर तो चढ़ गए, परंतु बच्चे परिवार को निकालना मुश्किल था। पड़ोसी एवं गोविंदपुर पुलिस की सहायता से सीढ़ी लगाकर किसी तरह परिवार के लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें बेटा मामूली रूप से जल गया। पेट्रोलिंग टीम ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिससे तुरंत 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। लगभग 4 घंटे मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। बैद्यनाथ साधु सरकारी विद्यालय में जूता ड्रेस आदि उपलब्ध कराते हैं। उनके परिवार ने आज कहा कि हम लोगों को यह दूसरा जन्म प्राप्त हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं गोदाम मालिक बैद्यनाथ साधु क्या कहते हैं इस पूरी घटना के बारे में। अनुमान है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगा है। कारण तो पता नहीं चला, अंदाज लगाते हैं कि शॉर्ट सर्किट से ही हुआ होगा। कैसे आपको जानकारी हुआ, कैसे आप बचाए बच्चे को? आवाज होने लगा तो उठे तो देखे आग लगा हुआ, तो हम नीचे सोए हुए थे, नीचे तल्ला में। ऊपर तल्ला में बच्चे लोग सोते हैं, बच्चे लोग को उठाने के लिए ऊपर गए। बच्चे लोग को उठाए पर निकलने के समय में इतना धुआं गैस हो गया कि निकल नहीं पा रहे थे। फिर भी किसी तरह गिरते उठते छत पर गए। छत में भी बहुत इतना ज़्यादा धुआं था कि नहीं कहीं कुछ जगह रहता था। तो बाहर मचान लगा हुआ था, घर में काम चल रहा था, उसी मचान से पास के दौरान सभी बच्चे को नीचे उतारे और हम भी नीचे उतरे। आपका बच्चा भी मामूली रूप से जल गया है, इसमें क्या स्थिति रही? थोड़ा हम लोग को भी लगा। लगभग कितने की संपत्ति जलने का अनुमान है? लमसम 10 लाख जल के रख। 2 गाड़ी आए थे उस जिस समय हमारा आग लगा, हल्ला कर रहे थे, उसी समय पेट्रोलिंग पार हो रहे थे। तो थाना तक हम लोग को बुलाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़े, पेट्रोलिंग वाला पार हो रहे थे, तो वो लोग खुद अपने से फिर बुलाए। ऐसे मोहल्ला के लोग भी, सभी लोग सपोर्ट किए, वो लोग भी फोन भी किए थे। कहाँ थे आप, कैसे निकाला गया? बुलाया तो गए। नीचे आग लग चुका था।